भी 2-3 मिनट देख लेते हैं और स्टूडेंट्स भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज जैसे कि आपको पता है कि जनरल स्टडीज़ की फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे हम इस कोर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें कोर्स का मैंने ओवरव्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज़ फेमिनिज़म, और उसके बाद जो टू मेन टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, ठीक है, जो है लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म, उसकी मैंने आपके साथ लिंक भी शेयर की हुई है, ठीक है। वो आप यूट्यूब के ऊपर उसको डिटेल में भी देख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम उसको एक तरह से रिकैप भी करेंगे। उसका जो जिस्ट है वो हम अभी पहले ग्रास्प करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, ठीक हो गया। इस कोर्स में टोटल आपके 5 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह उन 5 लेक्चर्स में आपका जनरल स्टडीज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं नोट्स भी फुल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और उसके अलावा 5 फ्राइडे को 5वें लेक्चर के बाद सैटरडे को सुबह मैं मॉक एग्जाम पोस्ट कर दूंगा, और संडे शाम 5 बजे तक आप लोगों को मुझे वो सॉल्व करके रिटर्न करना होगा, ठीक है। फिर मैं आपको इवेल्यूएट करके उसके ऊपर फीडबैक दूंगा, ठीक हो गया। अब इसमें हम टॉपिक्स उसी तरह कवर करेंगे जिस तरह मैंने अपने एग्जाम के लिए कवर किए, और मेरे उसमें लग शुक्र है 68 थे, ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा स्कोर काउंट होता है, ठीक है। और जितना मैंने कवर किया उससे भी हम ट्वाइस थ्राइस कवर करेंगे, और ओवरऑल जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें मुझे ये आइडिया होगा कि इसमें समझाने की ऐसे ज़रूरत नहीं, आप नोट्स पढ़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उनके मैं सिर्फ आपके साथ नोट्स ही शेयर कर दूंगा, ठीक है, और बाकी हम लेक्चर्स में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है।
तो तकरीबन 80% ऑफ द सिलेबस हम जेंडर स्टडीज का कवर करेंगे। ठीक हो गया, तो लेट स्टार्ट। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट जो लेक्चर है, वैसे तो वो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली सेकेंड से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो फिर आगे आपको समझ नहीं आते। इस वजह से जिन लोगों ने यूट्यूब वाला वो लेक्चर नहीं देखा उनके लिए मैं इसको एक आपको इसकी रीकैप दे देता हूँ। और इस लेक्चर के एंड में जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है, तो आप यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोर्स के हवाले से या बाकी आपके एग्जाम्स जैसे सर पे हैं, कोई प्रिपरेशन में इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो यू गाइस कैन आस्क। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो टॉपिक है ये है फेमिनिज्म। ठीक है, जेंडर स्टडीज का हमारा कोर्स है और उसकी जो बेसिस है, उसकी जो रूट है, वो है फेमिनिज्म। ठीक है, हम इस तरह लेके चलेंगे कि सबसे बेसिक टॉपिक पहले करें और फिर बाकी आपको खुद ब खुद ही वो वहां से समझ आते जाएंगे। ठीक है, तो फेमिनिज्म बेसिकली है क्या? ठीक है, इसमें हम सिलेबस में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये कवर करेंगे व्हाट इज फेमिनिज्म और ये टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कवर करेंगे, फिर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर और फिर बाकी टॉपिक्स। ये जो फर्स्ट वाला है ये हम सबसे एंड में कवर करेंगे, क्योंकि बाकी सारा कोर्स अगर आपको समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन ज्यादा ईजी हो जाता है समझना। ठीक है, तो इस तरह हम कोर्स को लेके चलेंगे। ऊपर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फेमिनिज्म बेसिक उसका आइडिया क्या है? ठीक है, फेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसका मकसद ये है कि जो डिफरेंट सेक्सेस हैं लाइक मैन वुमेन, उनकी इक्वालिटी अचीव की जाए। ठीक है, वो इक्वल हो जाए, ये उसका बेसिक फेमिनिज्म का मकसद है। ठीक है, वो पॉलिटिकली भी इक्वल हो जाए, इकोनॉमिकली भी इक्वल हो जाए, सोशली भी इक्वल हो जाए। अब ऑब्वियसली मैन इस टाइम सुपीरियर पोजिशन पे है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, तो फेमिनिज्म का मकसद ये है कि जो वुमेन है उनको भी ऊपर लाया जाए, इक्वालिटी की पोजीशन पे लाया जाए मैन के बराबर। ठीक है, तो ये बेसिकली फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं उनका मकसद बेसिकली ये है। ठीक है, फेमिनिज्म का, नॉट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, उनका भी यही है, लेकिन फेमिनिज्म जो है, ठीक है, ये इसका मकसद ये है कि इक्वालिटी अचीव की जाए मैन और वुमेन की, सेक्सेस की इक्वालिटी। ठीक है, और इसके अंदर मूवमेंट्स भी आती हैं, डिफरेंट जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हम देखेंगे कल वाले लेक्चर में, और जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज और थ्योरीज आती हैं वो भी इसी में फेमिनिज्म में ही आती हैं। ठीक है, मकसद इन सब का एक ही है कि कैसे हम जेंडर इक्वालिटी अचीव करें। ठीक है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, और जेंडर इनइक्वालिटी को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड करें। ठीक है, बात अब फेमिनिज्म की काफी सारी टाइप्स हैं डिफरेंट। ठीक है, उनमें जो सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फेमिनिज्म है, ठीक है, वो है लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, अब इसमें मैं अगर आपको बताऊं इन वन सेंटेंस के लिबरल फेमिनिज्म क्या है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपको सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है ये आपको बताते हैं कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है दुनिया में, पाकिस्तान में, इसकी वजह क्या है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, अब जो डिफरेंट फेमिनिज्म्स हैं वो डिफरेंट कॉजेस कहेंगी। लिबरल फेमिनिज्म कहेगी कि ये वजह है, उसके बाद हम देखेंगे रेडिकल फेमिनिज्म, वो कहेगी नहीं कोई और वजह है, वो दूसरी वाली वजह है। ठीक है, तो इस तरह इनमें ये फर्क है बेसिक कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हमें जो फर्क नजर आता है कि मैन पॉलिटिकल पोजीशन में भी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैन एमएनएस बहुत ज्यादा है, जो फीमेल एमएनएस बहुत कम है। ठीक है, और इकोनॉमिकली भी आप देखिए जो आपके बिलियनियर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ज्यादातर मैन ही है। ठीक है,
क्योंकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आती है सोसाइटी में, इसका कॉज क्या है, ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट फेमिनिजम्स ये आंसर करती है। अब लिबरल फेमिनिज्म के मुताबिक वो कॉज क्या है, क्यों है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में, वो कॉज ये है कि लीगल एंड कल्चरल बैरियर्स दैट एग्जिस्ट इन दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, लीगल एंड कल्चरल बैरियर्स विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ये है कॉज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, ये जो लीगल बैरियर्स हैं, जैसे आप देखें 1920 में जाके वुमेन को राइट टू वोट मिला, ठीक है, तो पहले एक लीगल बैरियर था कि वो वोट ही नहीं कर सकती थी, लॉ में ही उनको प्रोहिबिटेड था, ठीक है, कि वो वोट कर सकें, तो इस तरह के जो लीगल बैरियर्स हैं, या कल्चरल बैरियर्स इस तरह के हैं, जैसे सोसाइटी में इस तरह के नोशंस या आइडियाज हैं दैट वुमेन आर इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली इंफीरियर टू मैन, ठीक है, इस तरह के जो कल्चरल बैरियर्स हैं, और जैसे हमने लीगल बैरियर्स लाइक राइट टू वोट की बात की, ये दे आर द कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक हो गया। अब हर फेमिनिज्म फिर ये भी बताएगी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड कैसे किया जाए, ठीक है, और जो आपका कॉज है, जो वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, अगर आप उसी को खत्म कर दें तो ऑब्वियसली आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड हो जाएगी। जैसे लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह है लीगल एंड कल्चरल बैरियर्स विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, तो ऑब्वियसली लिबरल फेमिनिज्म कहेगी कि अगर ये आप लीगल बैरियर्स रिमूव कर दें, ठीक है, जैसे राइट टू वोट मिल गया वुमेन को, एक लीगल बैरियर रिमूव हो गया, और कल्चरल बैरियर्स आप रिमूव कर दें, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड हो जाएगी और जेंडर इक्वालिटी अचीव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ कैन वी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, लीगल एंड कल्चरल बैरियर्स विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। ये देखें, इसमें यही बात हो रही है कि फीमेल सबॉर्डिनेशन इज रूटेड इन अ सेट ऑफ कस्टमरी एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स, लीगल बैरियर्स और कस्टमरी या कल्चरल बैरियर्स, ठीक हो गया, इनकी वजह से दे आर द कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। उसके बाद इसके इश्यूज हैं, ठीक है, कि किन इश्यूज के साथ कंसर्न है, राइट टू वोट, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इक्वल पे एटसेट्रा, ठीक है, फिर नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने कहा कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड होगी कि अगर आप लीगल बैरियर्स जो है वो रिमूव कर दें, लाइक राइट टू वोट, ये वही बात इसमें हो रही है। फिर इसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में ये हमें ज्यादा नजर आई, ठीक है, फिर सेकेंड थोड़ी नजर आई, थर्ड वेव में फिर दोबारा से ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, फर्स्ट और थर्ड में वेव में जो कि हम वेव्स कल पढ़ेंगे उनमें ये हमें ज्यादा नजर आई, फर्स्ट सॉरी लिबरल फेमिनिज्म हमें नजर आई, ठीक है, और फिर ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं ये लिबरल फेमिनिज्म के बारे में, तो वो यूट्यूब वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने वो नहीं देखा हुआ वो लेक्चर उनको भी बात करेंगे। फिर ये प्रोमिनेंट लिबरल फेमिनिस्ट की भी बात की भी है, ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है ये टॉप वाली, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, और इसकी जो बुक है
A Vindication of the Rights of Women, 1792 या 94 की वो बुक है, और वो बहुत ही एक उसको फाउंडेशनल बुक ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, ठीक है। और वैसे भी वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अगर जेंडर स्टडीज आपका कोर्स नहीं भी है फिर भी वो यू कैन लर्न अलॉट फ्रॉम दैट बुक, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर क्रिटिक क्या होती है, एक तो ये कि ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फोकस करती है, ठीक है, ये सोसाइटल लेवल के ऊपर फोकस नहीं करती बल्कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। और बाकी भी या क्रिटिसिज्म या आप देख लीजिएगा, और उसमें एक्सप्लेन है इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो यूट्यूब वाला पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ फेमिनिज्म है विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। जिस तरह लिबरल फेमिनिज्म ने बताया था कि कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो है लीगल एंड कल्चरल बैरियर्स विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो अब ये रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहती है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये कहती है कि मेन सिस्टमैटिकली ऑप्रेस वुमेन, ठीक है। जो जेंडर रिलेशंस हैं, द रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है, ये इस तरह के हैं कि मेन सिस्टमैटिक तरीके से वुमेन को ऑप्रेस करते हैं, ठीक है, और मेन ने जानबूझ के इस तरह के सोशल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हुए हैं जो वुमेन को ऑप्रेस करते हैं, ठीक है। ये सारा जो हमारा निज़ाम है पेट्रियार्की का, ठीक है, जो ये हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली सारा हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये इसी वजह से ही है क्योंकि मेन वुमेन को ऑप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो और मेन सिस्टमैटिकली, ठीक है, एक पूरे मंसूबे के साथ वुमेन को ऑप्रेस करते हैं, ठीक है, ये वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली ये यही कहेगी कि कैसे आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड कैसे करें, वो भी आप ऐसे ही करेंगे कि ये जो सारा पेट्रियार्कल सिस्टम मैन ने क्रिएट किया है टू ओप्रेस वुमेन, इस सारे सिस्टम को, सारे सोशल स्ट्रक्चर को ही आप ओवरथ्रो करें और रेडिकली आप रीऑर्डर करें सारी सोसाइटी को, ठीक है, दैट्स वाई द नेम रेडिकल फेमिनिज्म। तो वहां से जाके फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड होगी, ठीक हो गया। तो अगेन इसकी जो डिटेल्स है वो आप जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ शेयर की है, यूट्यूब की लिंक, आप उसमें ये पूरा एक्सप्लेन है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म उनकी बात करते हैं। अच्छा, पहले दो हमारी जो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है वो हो गई, ठीक है, जस्ट अ ब्रीफ रीकैप जिन लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म वांट्स टू अचीव द इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, फेमिनिज्म वांट्स टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज फेमिनिज्म, ठीक हो गया। हमने पहले बात की थी कि व्हाट इज फेमिनिज्म, ठीक है, सो दैट इज फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म में मूवमेंट्स भी आती हैं, ठीक है, ये डिफरेंट थ्योरीज भी आती हैं, आइडियोलॉजीज भी आती हैं, ये चीजें सारी फेमिनिज्म में आती हैं, ठीक है, लेकिन मकसद उन सबका यही है टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर हमने पहले बात की लिबरल फेमिनिज्म की, लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि कॉज वजह ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
वो है लीगल एंड कल्चरल बैरियर्स विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वुमेन को राइट टू वोट नहीं था जैसे 1920 से पहले। ठीक है, ये थी लिबरल फेमिनिज्म। उसके बाद रेडिकल फेमिनिज्म क्या थी? रेडिकल फेमिनिज्म के मुताबिक कॉज या रीजन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो ये थी कि मैन सिस्टमेटिकली ऑप्रेस वुमेन। ठीक है, और उसके मुताबिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तभी एंड हो सकती है अगर आप पूरे जो ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स मैन ने क्रिएट किए हुए हैं टू सिस्टमेटिकली ओप्रेस वुमेन, अगर आप इन सारे सोशल स्ट्रक्चर्स को ओवरथ्रो करें और सोसाइटी को रेडिकली रीऑर्डर करें, एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज करें, तब जाके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड होगी। ठीक है, तो ये थी रेडिकल फेमिनिज्म। अब हम तीसरी और चौथी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वो क्या है, फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म। पहले बात करते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसके मुताबिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कॉज क्या है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अगेन आप इसका भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, और किस तरह कैपिटलिज्म का जो ये जो सिस्टम है इसके जरिए ओप्रेस किया जाता है वुमेन को। इसके मुताबिक कॉज क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप इस बुक का हवाला भी दे सकते हैं जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की असल वजह यह है कि मेन ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, नॉट वुमेन। ठीक है, जो वुमेन है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करती बल्कि मेन ओन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, इसको मैं आपको एक कंसाइज वे में भी बता देता हूं। जी बिल्कुल, कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बेसिकली कॉज उसका ये है, अगर उसको एक फ्रेज में हम समअप करें कि मेन कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये वजह है कि क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब जिनको नहीं पता कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गुड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू वो है आपका कपड़ा, क्लोथ या टेक्सटाइल। ठीक है, अब वो प्रोड्यूस करने के लिए जो आप फिजिकल एलिमेंट्स यूज करते हैं वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या फिजिकल एलिमेंट्स हैं? जैसे आपने अगर टेक्सटाइल का कपड़ा प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली आप टेक्सटाइल मिल यूज करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर उसके अंदर जो मशीनरी है वो यूज करेंगे। उसके बाद रोड्स आपकी यूज होंगी जो कपास को ट्रांसपोर्ट करेंगी इन द फैक्ट्री। ठीक है, ताकि वो कपड़ा बन सके, तो वो रोड्स भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होंगी, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन याद रखिए वही चीज है, फिजिकल एलिमेंट्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, जो फिजिकल एलिमेंट्स हम यूज करते हैं ऐसे चीजें जिनकी कोई माशी कदर है, ठीक है, वो उनको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रोड्स, लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक्स, ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये कहती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह ये है कि मेन जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, नॉट वुमेन। ठीक है, फिर इसमें कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लेबर का। ठीक है, प्रोडक्टिव लेबर वो होता है कि हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें जिसकी आपको कोई वेजेस दी जाती है। ठीक है, जैसे
जाके कोई दिहाड़ी के ऊपर मजदूर काम करे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर कोई हो, ठीक है, या कोई टेलर हो, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह का जो या बैंक में कोई मैनेजर हो, ठीक है, तो ये सारे ये जो काम करते हैं इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव लेबर। ऐसा काम जिसके इवज आपको वेजेस मिलती हैं, ठीक है, उसके अपोजिट है रिप्रोडक्टिव लेबर। रिप्रोडक्टिव लेबर एक तो वो होता है प्राइवेट स्फेयर में, मतलब घर की चार दीवारी के अंदर, ठीक है, और उसका कोई कंपनसेशन नहीं होती, उसकी कोई वेजेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, खवातीन घर में ही बच्चों की देखभाल, सफाई का काम, बर्तन धोने का काम, कुकिंग का काम, ठीक है, ये सब खवातीन करती हैं घर में, ठीक है, और इसका उनको कोई एज सच वेज नहीं मिलती, ठीक है, कि आज आपने सारे घर के बर्तन धो लिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये फॉर एग्जाम्पल 1000 rupees इज योर वेज, इस तरह का नहीं होता। ये जो हाउस होल्ड के अंदर ये जो काम है जिसकी कोई वेजेस नहीं दी जाती, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव लेबर, ठीक हो गया। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये कहती है कि जो रिप्रोडक्टिव लेबर है ये भी बहुत डिस्क्रिमिनेट करता है वुमेन के अगेंस्ट, क्योंकि फिर वुमेन कोई उनके पास कोई तरीका फिर नहीं बचता फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, ठीक है, वो अगर ये काम भी उनके जिम्मे है और उसके उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, ठीक है, तो वो हमेशा इसी सबॉर्डिनेट पोजिशन में ही रहेंगी, ठीक है। अगर वो ये काम फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड उनका हाथ बटाता है इस काम में, या उनको ये काम ना करना पड़ता और वो पास जाके वो भी इंप्लॉयमेंट गेन करती, तब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती थी और हो सकता है एक दिन वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती, ठीक है। तो ये भी बहुत इसमें एक मसला है रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव लेबर, ठीक है। फिर जैसे कि हमने बात की कि कैसे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कैसे कहती है कि डिस्क्रिमिनेशन को एंड करेंगे, ठीक है, ये कहती है पहले तो आप या तो आप ऐसा करें कि जो हाउस होल्ड वर्क है, जो हमने रिप्रोडक्टिव लेबर की बात की, उसका भी खवातीन को आप उसके भी वेजेस दें, पैसा दें, ठीक है, कि अगर वो बच्चों की रेयरिंग करी है, केयरिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, तो इसका भी आप उनको पैसा दें, ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, ठीक है, और वहाँ से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड हो, ठीक है। तो एक तो ये कहती है, ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव लेबर के पैसे दें खवातीन को। दूसरा ये कहती है कि जो रिप्रोडक्टिव लेबर, जो हाउस होल्ड चोर्स जो हैं, वो खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे जाते हैं सोसाइटी में, तो मैन को भी चाहिए कि वो खवातीन का इसमें हाथ बटाएं, ठीक है, ताकि जो खवातीन है उनके पास भी टाइम एंड एनर्जी बचे और वो जाके बाहर जाके अर्न कर सकें अपनी लिविंग, ठीक हो गया। तो ये दो सॉल्यूशंस बताती है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। उसके बाद इसके ऊपर क्रिटिक क्या, इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सारी देखें इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है, कि वुमेन फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो सकती, ठीक है, और इस वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो हमारे कन्वेंशंस हैं, जो हमारे जैसे इस तरह समझा जाता है कि औरत का काम घर की चार दीवारी के अंदर ही है, ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, इस वजह से भी खवातीन हाउस होल्ड चोर्स तक महदूद रहती हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही वजह हो कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं करती, तो इस वजह से उनको हाउस होल्ड चोर्स के ऊपर लगाया हुआ है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म तो यही कहती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो नहीं ओन करती वुमेन, इस वजह से उनकी हालत ये है। लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा सोसाइटी की कुछ कन्वेंशंस भी हैं, ठीक है, कि अक्सर आप देखें कंजर्वेटिव फैमिलीज में अलाउ ही नहीं करते खवातीन को घर से बाहर ज़्यादा जाना या विदाउट अ मेल गार्डियन एटसेट्रा, ठीक है। उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। ऑब्वियसली आप देखें स्कूलों में भी मैन को इंकरेज किया जाता है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, वुमेन को ज़्यादा इंकरेज किया जाता है कि वो
मतलब जैसे यूएस जैसा कंट्री हो गया, वहां पे वो चीयर लीडिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो वहां से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जिस चीज को मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म उसको फिर इग्नोर करती है और उसको अंडर अपनी अम्ब्रेला नहीं लेती, ठीक है। तो ये इसकी क्रिटिक थी, इसमें क्या मसले हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी जो है टाइप ऑफ फेमिनिज्म वो है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या कहती है, अगेन इसके मुताबिक जो है कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक जो पहला कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो है कैपिटलिज्म, ठीक है, और कैपिटलिज्म एट ऑल लेवल्स। ये जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है ये थोड़ा नैरो इन स्कोप थी, ठीक है, ये बात करती थी कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम उसमें वुमेन को, जो वुमेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी ओन नहीं करती, ठीक है, और उनका जो हाउसहोल्ड जो वर्क है, हाउसहोल्ड चोर्स है, इस वजह से वो भी कंपनसेट नहीं होते, ठीक है। तो ये वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जबकि उसके बरक्स जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है ये इसको ज्यादा एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर ले जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, कैपिटलिज्म में वुमेन जो वर्क करती हैं फैक्ट्रीज में उनकी वेजेस बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू मैन, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये भी होता है, ठीक है। और उनको कोई मटर्निटी लीव्स का कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ख्याल रखती हैं, बाकियों में इतना ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ये उसको एक तो ये उसके मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को ज्यादा एक्सपेंड करती है ऑन अ ब्रॉडर लेवल। दूसरा कॉज ये बताती है, दूसरी वजह क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, वो ये कहती है कि पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, ठीक है, ऐसी सोसाइटी जिनमें मेल्स की डोमिनेशन हो, ठीक है। ये कहती है कि पेट्रियार्की भी हर लेवल के ऊपर है, ठीक है, और मेल्स की डोमिनेशन, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। जैसे आप देखें पॉलिटिकल स्फेयर में भी आपको मेल्स की डोमिनेशन नजर आती है, ठीक है, उसके अलावा आपको सोशल स्फेयर्स में भी, मतलब आप देखें कि सोसाइटी में स्टेटस आमतौर पे मेन का ज्यादा है, ठीक है। और तो ये जो पेट्रियार्की है, हर जगह मेल्स की डोमिनेशन है, ये भी एक वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। पहली वजह कैपिटलिज्म ऑन ऑल लेवल्स, दूसरी वजह पेट्रियार्की ऑन ऑल लेवल्स, ठीक है। इसने टू प्रॉन्ग्ड है, दो इसने वजूहत बताई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। पहली वजह हुई कि जो कैपिटलिज्म का जो रोल है ऑपरेशन ऑफ वुमेन में, और दूसरी वजह कि जो पेट्रियार्की है ऑन ऑल लेवल्स, ठीक है। तो एक तरह से ये उसको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को और रेडिकल फेमिनिज्म को दोनों को ऑन बोर्ड लेती है और उनके स्कोप को ये ब्रॉड करती है, ठीक है। ये है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। अब ये क्या कहती है कि किस तरह हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे एंड करेंगे, वो ये कहती है कि हम ऐसे एंड करेंगे कि जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ वुमेन ऑन मैन है वो अगर हम एंड करते हैं, ठीक है, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म थी वो आपको याद होगा, वो सिर्फ ये कहती थी कि जो रिप्रोडक्टिव लेबर है आप उसको या तो वुमेन को आप उसकी वेजेस दें, या फिर या उसके साथ साथ आप मैन को भी कहें कि वो भी वुमेन का हाथ बटाएं इस काम में, तो वो ये बताती थी। ये कहती है कि नहीं, टोटली जो है आप जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है वुमेन की मैन के ऊपर, ठीक है, वो खत्म करें और वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, वहां से एंड होगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और जो रेडिकल फेमिनिज्म थी, जो मैंने सेकंड थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, वो उसमें और इसमें फर्क ये है कि वो देखती थी जो ये जो पेट्रियार्की है वो
ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मेन जो सिस्टमेटिकली ऑप्रेस करते हैं वुमेन को, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये उसको प्राइमरी कॉज नहीं समझती, लेकिन ये प्राइमरी कॉज यही है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी पेट्रियार्की है पॉलिटिकल सोशल अदर स्फेयर्स में, वो भी कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इसकी जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स थे, आप अपने एग्जाम में इनका ये रेफरेंस दे सकते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, इनमें सबसे फेमस ये वाला है बिग फ्लेम, ठीक है, और ये एक मैगजीन है. ठीक है, तो जो बात ये तीन जो हैं, ये प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, ये भी आप लाजमी दीजिएगा इसका रेफरेंस याद ही करके. इसके बाद इसके ऊपर क्रिटिक क्या है, इसके अंदर क्या मसले हैं. ठीक है, सारी जो लिबरल फेमिनिज्म की बातें हैं वो इसके खिलाफ एज अ क्रिटिक यूज की जा सकती है. ठीक है, कैसे कि लिबरल फेमिनिज्म एक तो इंडिविजुअलिस्टिक थी. ठीक है, और वो कहती थी कि बस आप जो लीगल और कल्चरल बैरियर्स हैं ये आप रिमूव कर दें. ठीक है, तो वहां से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड हो जाएगी. सोशलिस्ट फेमिनिज्म पहली बात तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फोकस नहीं करती. ठीक है, ये आप देखिए, ये कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करती है, पेट्रियार्की के ऊपर फोकस करती है. ठीक है, और दूसरा इसका जो सोल्यूशन है कि आप कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर दें, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ठीक है, ये ऑप्रेस करता है वुमेन को, तो आप इस सारे सिस्टम को ही ओवरथ्रो कर दें. तो लिबरल फेमिनिज्म इस चीज के अगेंस्ट है. लिबरल फेमिनिज्म कहती है नहीं, कैपिटलिस्ट सिस्टम हो पड़ा जिस तरह है, आपकी मल्टीनेशनल्स हैं और बाकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, ये हो पड़ी, बस उन्हीं में जो आप हैं वुमेन को ज्यादा शेयर दें. ठीक है, उनके खिलाफ आप लीगल बैरियर्स रिमूव करें, कल्चरल बैरियर्स रिमूव करें. ठीक है, तो वहां से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगी, बजाय इसके कि आप पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही ओवरथ्रो कर दें, जो कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहती है. कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहती है कि आप पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही ओवरथ्रो कर दें, वहां से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड होगी. ठीक है, तो ये इसकी क्रिटिक है इसके ऊपर, जो लिबरल फेमिनिज्म की बातें हैं. ये हमारी चार हो गई टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म. अब हम पांचवी टाइप ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं, जिसको कहते हैं इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म. ठीक है, अब इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के मुताबिक जो कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वजह क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, वो ये है कि जो आपकी बाकी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, लाइक आपकी रेस की बेस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल यूएसए में देखें, जो ब्लैक्स थे उनको राइट टू वोट बहुत बाद में जाके मिला, पहले तो वो बल्कि स्लेव्स होते थे, और जब राइट टू वोट मिल भी गया तो आप देखें 1950s 60s में एक सिविल राइट्स मूवमेंट चलती रही कि उनको ज़्यादा राइट्स दिए जा सकें. ठीक है, क्योंकि इन प्रैक्टिस, इन थ्योरी तो वो वोट कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता था, लेकिन फिर भी असल में जब वो वोट करने जाते थे तो उन्हें बहुत मुश्किलात होती थी, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था. तो जो इस तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, या आपकी जो क्लास की डिस्क्रिमिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर कोई काम एक अमीर बंदा करने जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, महंगी घड़ी एट्सेट्रा पहनी हुई हो, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी, उसको पहले कैटर किया जाएगा. एक गरीब आदमी, उसने बड़े पुराने अगर कपड़े पहने हुए हैं, ऑब्वियसली उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा. तो ये जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, बेस्ड ऑन क्लास जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये
पहले हमने बात की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, उसके बाद और जैसे इमिग्रेंट स्टेटस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा में, अगर आप उनके सिटीजन्स हैं, आप उनके अगर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या नेशनल हैं उनके, तो आपको एक और तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आप इमिग्रेंट हैं, आप किसी और मुल्क से बिलोंग करते हैं, बस आप काम के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, आप वहाँ पर मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए आए हुए हैं, तो आपको एक और तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह की ये जो सारी डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल, क्लास, इमिग्रेंट स्टेटस एटसेट्रा, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन मजीद इसको बढ़ाते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ये ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर कम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये जो बाकी इनइक्वालिटीज या डिस्क्रिमिनेशन हैं, इनकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और भी ज्यादा हो जाती है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कंपाउंड करते हैं, ज्यादा उसको खराब करते हैं, ठीक है, उसको एक्सेसरबेट करते हैं, एनहांस करते हैं, ठीक है। तो ये है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, ठीक है। वही देखें कि इसके मुताबिक कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। पहला कॉज यही है, द वे इन विच वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफन ऑपरेट टुगेदर एंड एक्सेसरबेट ईच अदर, कि किस तरह ये जो डिफरेंट इनइक्वालिटीज हैं, लाइक जेंडर, क्लास, सेक्सुअलिटी, इमिग्रेंट स्टेटस, ये किस तरह एक दूसरे को ज्यादा वर्स ऑफ करती हैं, ठीक है। इसकी जो मेन प्रोपोनेंट थी वो थी किम्बर्ली क्रेंशॉ, ठीक है, और इसकी ये बहुत अच्छी कोटेशन है जो आप याद करके आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कह रही है कि आप इनइक्वालिटी को ये ना देखें कि भाई वो तो रेशियल इनइक्वालिटी है, हमें उससे क्या, मतलब हम तो बस जेंडर इनइक्वालिटी हम खत्म करना चाहते हैं, ये कहती है नहीं, कहती है आपको सारी इनइक्वालिटीज को इकट्ठे टैकल करना पड़ेगा, तब जाके आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन भी यही है कि टैकलिंग ऑल इनइक्वालिटीज लाइक रेस, क्लास एंड जेंडर साइमल्टेनियसली विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन लिबरेशन ऑफ वुमेन, सारी इनइक्वालिटीज को जब आप टैकल करेंगे तब जाके सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड करने में, ठीक हो क्या। ये थी हमारी इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। उसके बाद हम अपनी छठी टाइप ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं, जो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ये क्या कहती है कि क्या है कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके मुताबिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह, सबसे बड़ी वजह, प्राइमरी रीजन वो ये है कि इस तरह से एक्ट करती है जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा रीइंफोर्स होती है, ठीक है। मतलब जैसे वुमेन एक तरह से एक स्पेसिफिक वे में ड्रेस करती हैं, उनका ड्रेस करने का तरीका एक अलग है एज कम्पेयर टू मैन, उनका बिहेव करने का तरीका भी अलग है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। ऑब्वियसली मैनर्स, हैबिट्स डिफरेंट होती हैं मैन की वुमेन की, ठीक है। वो कहती हैं ये जो वुमेन जिस तरह एक्ट करती हैं, ड्रेस करती हैं, टॉक करती हैं, ये जो चीज़ है, ये असल चीज़ ये कॉज करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इनके मुताबिक ये प्राइमरी रीज़न है। ये कहती है कि ये बायोलॉजिकली नहीं होते डिफरेंसेस,
बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है, और यही वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कि कैसे ये जो डिफरेंसेस हैं या ये जो रोल्स हैं, मेल्स का एक रोल है, ठीक है, कि उन्होंने किस तरह बिहेव करना है, वुमेन का एक डिफरेंट रोल है कि उन्होंने किस तरह बिहेव करना है। उसने कहा कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, और सोशली कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, जब हम उनको परफॉर्म करते हैं, जैसे मेल्स और तरीके से ड्रेस करते हैं, और तरीके से बिहेव करते हैं एंड सो ऑन, उसी तरह वुमेन एक और तरीके से बिहेव करते हैं। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट जेंडर रोल्स हैं उनको हम सोशली क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये सबसे बड़ी वजह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है जुडिथ बटलर, ठीक है, और इसके ये जो कोट्स हैं ये आप लाजमी याद कीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है और इससे आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी इन्हेंस होगी इसके ऊपर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में, ठीक हो गया। इसमें ये वाला कोट अगर देख लें तो आपको मजीद समझ आएगी, ठीक है, कि के वी एक्ट एंड वॉक एंड स्पीक एंड टॉक इन वेज दैट कंसोलिडेट एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन, ठीक है, कि हम इस तरह से एक्ट करते हैं, वॉक करते हैं या बोलते हैं जो एक मैन का इम्प्रेशन है वो कंसोलिडेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैन की तरह ड्रेसिंग की हुई है, पोलो शर्ट एटसेट्रा, ठीक है, तो ये इम्प्रेशन रीइन्फोर्स करती है ये चीज़, ठीक है, कि मैन शुड ड्रेस दैट वे, ठीक है। तो इस तरह से जो जेंडर रोल्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेयर थ्योरी के साथ भी रिलेटेड है। क्वेयर थ्योरी, उसको भी हम देखेंगे आगे जाके, वो बेसिकली ये है कि उसमें इन सब चीज़ों की बात होती है, LGBTQ, इन सब की बात होती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल और क्वेयर, ठीक है। क्वेयर कहते हैं क्वेश्चनिंग को, जिन्होंने भी क्वेश्चन वो करे अपनी आइडेंटिटी को, कि वेदर वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, वेदर वी लाइक टू एक्ट लाइक मेल्स और फीमेल्स रिगार्डलेस ऑफ बायोलॉजिकली वो मेल्स हैं या फीमेल, ठीक है। तो ये इसमें बात होती है क्वेयर थ्योरी में। तो ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्वेयर थ्योरी के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है, और ये इंटरसेक्शनल भी है, जो हमारी बाकी फेमिनिज्म्स हैं वो इतना इंटरसेक्शनैलिटी को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, लेकिन ये रेशियल इनइक्वालिटी को भी एंड करने की बात करती है, तो ये भी इंटरसेक्शनल भी है ये, ठीक है, और ये सबसे मॉडर्न ब्रांच है फेमिनिज्म की, ठीक है, ये सबसे रिसेंटली यही आई, बाकी पुरानी है। ये हमारी हो गई पांचवी, क्योंकि छठी टाइप ऑफ फेमिनिज्म, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में ये थ्योरीज कैसे अप्लाई होती है। आपके इस तरह पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो हमने फेमिनिज्म्स देखी, छह टाइप ऑफ फेमिनिज्म, कि किस तरह वुमेन का सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल स्टेटस अपलिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को या इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आए, उसको हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म देखी, आप एक चेकलिस्ट की सूरत में, छह हमने देखी ना, आप बारी बारी उनको देखते जाएं,
फॉर एग्जाम्पल पहले आप बात करते हैं सोशो कल्चरल की, ठीक है। अब विच टाइप्स कैन एलिवेट दी स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, तो अब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की पहले आप बात करें, वो सोशो कल्चरल स्टेटस को कैसे अपलिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो बल्कि हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से, तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इकोनॉमिक स्टेटस को वुमेन के कैसे अपलिफ्ट करती है। अब आपको याद होगा मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बात करती थी कि वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव लेबर है, जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, या तो आप उनमें उनको भी उसके वेजेस दें या आप उसमें उनका हाथ बटाएं। तो पाकिस्तान में भी अगर इस तरह मैन करना शुरू कर दें, ठीक है, वुमेन को पे करें हाउस होल्ड चोर्स के लिए या उनका हाथ बटाएं ताकि वुमेन के पास टाइम एंड एनर्जी हो कि वो जाके फिर बाकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकें, ठीक है, तो वहाँ से ऑब्वियसली वुमेन की इकोनॉमिक सिचुएशन, उनका इकोनॉमिक स्टेटस एलिवेट होगा। हाउस होल्ड चोर्स के उनको पैसे मिले तो ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी। अगर मैन उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें पाकिस्तान में और वो जाके बाहर वुमेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखें, ऑब्वियसली उनका ये जो इकोनॉमिक स्टेटस है ये अपलिफ्ट होगा, ठीक है। फिर हम इकोनॉमिक स्टेटस में बात करते हैं दूसरे नंबर के ऊपर जो आती है आपकी लिबरल फेमिनिज्म। ये लिबरल फेमिनिज्म के जरिए कैसे आप इकोनॉमिक स्टेटस अपलिफ्ट कर सकते हैं या क्या आप कर सकते हैं, द आंसर इज यस। वो इस तरह कि आप लिबरल फेमिनिज्म क्या कहती थी, वो कहती थी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बजाय लीगल एंड कल्चरल बैरियर्स विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो आप जो लीगल बैरियर्स हैं जैसे राइट टू वोट आपने एंड कर दिया, मतलब उसका जो बैरियर है वो आपने एंड कर दिया और आपने वुमेन को दे दिया राइट टू वोट, उसकी वजह से ऑब्वियसली ज़्यादा वुमेन आई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बाद में जाके वो मेंबर बनी जो पार्लियामेंट है यूएस में, बाकी पूरी दुनिया के कंट्रीज में, तो ऑब्वियसली वहाँ से उन्होंने अर्न भी किया, ठीक है, पैसा भी उनको मिला MNAs की MPAs की और सिविल सर्विस में आपने उनको पार्टिसिपेट करने की जो इजाज़त है, ठीक है, जो बैरियर नहीं है उसकी वजह से भी वो पैसे कमाती हैं, ठीक है। फिर कल्चरल बैरियर्स भी अगर आप रिमूव करें, कल्चरल बैरियर क्या था कि जो सोसाइटी में एक फॉल्स बिलीफ है दैट वुमेन आर फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली इंफीरियर टू मैन, ये अगर ओपिनियन, ये बिलीफ खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग अलाउ करेंगे अपनी बेटियों को एजुकेशन हासिल करना, वो कहेंगे ये भी उतना इंटेलेक्चुअली कैपेबल है, जब वो ज़्यादा उन्हें एजुकेट करेंगे तो ऑब्वियसली वुमेन फ्यूचर में बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकती हैं और वहाँ से उनका इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो नंबर टू पे हमने देखा लिबरल फेमिनिज्म कैसे हेल्प कर सकती है इकोनॉमिक स्टेटस एलिवेट करने में। फिर हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है, वो कैसे हेल्प करेगी। सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहती थी कि आप कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करें, ठीक है, तो क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वुमेन को वेजेस भी कम दी जाती हैं, ठीक है, और उनको ज़्यादा हायर भी नहीं किया जाता, मेटर्निटी लीव्स का भी इशू होता, तो वो अगर पाकिस्तान में भी आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो कर देंगे तो एक ज़्यादा वुमेन को इकोनॉमिक स्फेयर में भी एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, वहाँ से उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो एलिवेट होगा, ठीक है। और उसके बाद आप इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की बात करें, ठीक है, उसके ऊपर आ जाए चौथे नंबर पे कि वो कैसे इकोनॉमिक स्टेटस एलिवेट कर सकती है वुमेन का इन पाकिस्तान, वो ऐसे कि पाकिस्तान में भी आप देखें और बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, क्लास इनइक्वालिटी है, ठीक है, कि अमीर गरीब का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है, रेशल इनइक्वालिटी है, ठीक है, कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में जो कुछ काले ब्लैक या ब्लैक कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनको एक अलहदा तबका उनको समझा जाता है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो क्लास है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप पाकिस्तान में भी एंड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से भी
जो वुमेन है उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी और वो ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकती हैं और वहाँ से उनका इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो एलिवेट होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इकोनॉमिक पे भी सारी बारी बारी चेकलिस्ट ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर आपने जाना है और देखना है कि कैसे वो एलिवेट कर सकती हैं स्टेटस, ठीक है, पॉलिटिकल भी, सोशो कल्चरल भी। ठीक है, तो इस तरह ये आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे ही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग अपना हैंड रेस करते एंड आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई कोर्स के हवाले से, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल जो है, कल हम करेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, और अगेन कल उसके भी मैं आपके साथ पहले नोट्स शेयर कर दूंगा, आप पढ़ के आइएगा और फिर मैं आपको वो टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा लेक्चर में। चलिए ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। होपफुली आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।